वाह, क्या बना रहे हो? अरे मैं बना रही हूँ मशरूम मटर पनीर। तो यहाँ पे मैंने क्या मशरूम पहले से फ्राई कर लिए हैं और पनीर में वाह मैंने ना कट कर दिए थे, फिर इनके ऊपर मसाला डाल दिया, मतलब जो रेड चिली पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर, दो ये चीज़ें ही मैंने ऐड ऐड की है। आप कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, बट अभी मैंने ऐड नहीं किया। इनको मिक्स करके फिर मैंने वाह, फ्राई कर लिया है। मशरूम और मशरूम है और ये पनीर है और 2 से 3 लोगों बहुत के लिए इनफ बहुत है अच्छा लग, सुंदर दिख रहा है। ना। तो इसका क्या फ्लेवर आ रहा है? तो जिससे आप जल्दी जल्दी परांठे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये मैंने ना चॉपर से चॉप कर दिए थे प्याज को और टमाटर को, मैंने मिक्सर में ग्राइंड नहीं किए थे, थोड़ा सा अच्छे से। दरदरा जब होता है तो कुछ अलग ही फ्लेवर आता है इसका। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मटर भी छील के रख लिया है और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर भी छील थी और ये है पनीर और मशरूम फ्राइड है और आप देख सकते हो सब्जी के मसाले का कितना अच्छा कलर आ गया है और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी हो गई थी और अलग ही खुशबू आ रही थी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी बनाना और बहुत तेज भूख भी लगी थी हमें। और जब तक अपन इसको बॉईल करेंगे तब तक इसका ऑयल जो है ना अलग अलग नहीं हो जाए, ऑयल और मसाला दोनों। जब तक क्या है मैं मटर छील लेती हूँ। ये मटर वॉश कर लिया है और ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका ऑयल है और मसाला दोनों अलग अलग हो गया था, ये देखिए अलग अलग। और मैं यहाँ पे इसी स्पेस पे अपन डाल देंगे मटर को, मटर को भी थोड़ी देर अच्छे से पकने देंगे मसाले के साथ में, जैसे अंदर तक मटर में अंदर तक टेस्ट आए। आप चाहो तो हल्का सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो। मैं ये सारी चीज़ एक साथ डाल देती हूँ क्योंकि मटर को बहुत जल्दी पक जाती है और सारा मसाला का जो फ्लेवर है ना इनके अंदर भी पहुँच जाए, तो मैं अभी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और आप लोग कैसे बनाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं तो अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। तो जिससे क्या है टेस्ट, एक ही सब्जी को मैं 2-3 तरह से बनाती हूँ जिससे क्या है टेस्ट भी अलग हो जाता है और अच्छा भी लगता है। आप इसमें चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो। तो एक किशमिश डालोगे ना थोड़ा सा मीठा मीठा जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही लाजवाब आएगा। तो मैं यहाँ पर पानी ऐड कर देती हूँ, ऑयल में मैंने ये सब्जी बनाई है घी में बनाई है, ऑयल का मैंने यूज नहीं किया है ज़्यादा इसमें। कैसी लग रही है देखने में, मस्त शानदार जबरदस्त ना, नमक थोड़ी देर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आपके लिए तो बनाई है आपके फेवरेट, आपको मेरे हाथ की मशरूम मटर अच्छी लगती है ना, तभी तो आपके लिए बनाई है। आपके हाथ की कोई भी पनीर हो, मशरूम हो, छोले हो, राजमा हो, थैंक यू, इनमें तो एक्सपर्ट हो। बन गया है और ये मैंने बेल दिया ये और मैं साथ साथ में रखती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखो पक गई है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सब चीजें अलग अलग हो गई है। देखो टेस्ट और दिख रही है अच्छा, किस किस को मन, किस किस का मन हुआ खाने का देख के, मुझे तो बनाते बनाते हो रहा है, वैसे अक्सर होता ही नहीं है मेरा तो। और यहाँ पे पराठे रख देती हूँ, हम मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ, हम इस तरह से घी अच्छे से लगाएं और लेयर्स वाले पराठे बनते हैं मस्त। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर मार्केट की तरफ चले गए थे, देखिए रात तो मतलब कि शाम के हो रहे हैं, 7:30 बज रहे थे, तो हम लोग हमने जल्दी डिनर कर लिया था तो हम मार्केट की तरफ चले गए थे क्योंकि खाने के लिए हमने अभी तक कोई ड्रेस नहीं ली थी दिवाली के लिए और सर्दियां भी आ गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ लेना था। तो फिर हम गए फर्स्ट ट्राई पे,
आप यहाँ देख सकते हो मार्केट में कितना रश है, और यहाँ पे कहीं पार्किंग के लिए भी जगह नहीं थी, तो हमने थोड़ा सा दूर ही, स्टोर तो ये रहा फर्स्ट क्राई का, और हमने इसे थोड़ा सा दूर ही खड़ी की थी गाड़ी को, और हम मानसरोवर में ही जो फर्स्ट क्राई है उस पे ही गए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम और दूर जा सकें। तो फिर हम यहाँ पे ये देखिए कलेक्शन, गर्ल्स का, बॉयज़ का, सबका ही अच्छा कलेक्शन मिलता है, लेकिन मुझे ऑनलाइन ज़्यादा समझ में आता है, वजह अपन ऑफलाइन फर्स्ट क्राई पे जो ड्रेस देखते हैं ना उसके। और यहाँ पे हाँ अपने लिए ड्रेस देख रही थी, हाँ ना बताओ कौन सा चाहिए बेटा, बताओ आपको जो कलर पसंद आ रहा है ना वो बताओ इसमें से। कौन सा है ये? आप सारे स्टाफ ये बताओ। तो फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट क्राई से निकल गए थे, तो फिर धनतेरस था, तो इन्होंने बोला धनतेरस को कुछ ना कुछ ले लेते हैं सिल्वर या गोल्ड में, तो फिर हम चले गए थे ज्वेलर के पास। ज्वेलर पे भी काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी मतलब धनतेरस पे तो सब लोग इतना शॉपिंग कर रहे थे, मतलब शॉपिंग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, कॉइन, गोल्ड का कुछ, ज्वेलरी, रिंग्स वगैरह जो भी। यहाँ पे ये देखिए ज्वेलरी कलेक्शन अच्छा था, तो मैं अंदर, फिर हम लोग अंदर एंटर हुए, और यहाँ पे देखिए कॉइन थे, सिल्वर कॉइन है, तो हमने सिल्वर कॉइन लिया था। धनतेरस पे क्या है खरीदना होता है कुछ ना कुछ, तो वो शुभ माना जाता है, इसलिए फिर हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं सिल्वर कॉइन लिया था, और फिर हम लोग निकल गए थे। और आप यहाँ देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही थी, और काफ़ी रश था, तो बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट में, और इतनी अच्छी डेकोरेशन, एकदम कलरफुल और लाइटिंग, तो ये देख के सब कुछ बहुत मज़े आ रहे थे, अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था बस ऐसे घूमते रहें, बट वो लेट भी हमें काफ़ी हो गया था, तो हमको घर भी जल्दी पहुँचना था, तो हम निकल चुके अपने घर की तरफ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, एक लाइक क्या, जो भी देख रहा है हर कोई लाइक करें, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। और फिर ये देखिए हम घर पे आके हाने के लिए थोड़ा सा रोशनी वाला ऐसे पटाखे वगैरह लेकर आए थे, तो वो चला रहे हैं, तो हाने भी बहुत खुश हो रही थी, तो उसकी खुशी के लिए देखिए हाने को भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी हैप्पी हो रही है। फिर ये ड्रेस वही है जो अभी हम आने के लिए लेकर आए थे, उनमें से एक है, तो डोरा वाला कार्टून था, इसे बहुत पसंद आया, लेकिन हालांकि ये ड्रेस थोड़ी सी छोटी है ये स्वेट शर्ट, तो बट चल जाएगा इस साल। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दीपावली टू ऑल। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जो छोटी दीपावली जिसे बोलते हैं, तो हैप्पी दीपावली। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बनाए थे पराठे, और यह है हमारी चाय, तो अब हम चाय और अपने पराठे अपने ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, और आप लोग भी एंजॉय करो, तो फिर मिलते हैं बाय नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।